एक आदमी था, उसका नाम श्यामू था। एक दिन उसको नारियल की जरूरत पड़ गई। वह नारियल लेने बाजार पहुंचा। उसने दुकानदार से पूछा, एक नारियल कितने का? दुकानदार बोला, 1 रुपए का भाई साहब। श्यामू बोला, 1 रुपए में 2 दे दो ना। दुकानदार बोला, आगे मिलेगा भाई साहब। वह आगे गया। वहां 1 रुपए में 2 नारियल मिल रहे थे। नारियल कैसे दिया भाई साहब? 1 रुपए का 2 नारियल भाई साहब। 1 रुपए का 4 दे दो ना। दूसरा दुकानदार बोला, आगे मिलेगा भाई साहब। वह आगे गया। वहां 1 रुपए के 4 नारियल मिल रहे थे। श्यामू बोला, नारियल कैसे दिया भाई साहब? 1 रुपए में 4 नारियल। 1 रुपए का 8 नारियल दे दो ना। तीसरा दुकानदार बोला, आगे नारियल का पेड़ है, वहीं से तोड़ लो, कुछ भी नहीं लगेगा और ना ही कुछ देना पड़ेगा। श्यामू पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ पर चढ़कर पहले कभी नारियल नहीं तोड़ा था। वह पेड़ पर चढ़ गया। खूब सारे नारियल तोड़ लिए। पर जब उतरने का सोचा तो डरने लगा। इतने ऊंचे पेड़ से कैसे उतरूंगा? बस पेड़ पर लटके लटके ही चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाने वाले को 100 रुपया दूंगा। पर कोई नहीं सुना। वह फिर से आवाज लगाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाने वाले को 100 रुपया दूंगा। तभी कुछ लोग आए और कहने लगे, सौ नहीं 200 लूंगा। तभी तो कहते हैं, लालच बुरी बला है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइए।